खबर रीवा से है। यहाँ के ग्रामीणों ने गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी को याद किया, साथ ही पंचायत में किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करने का भी संकल्प लिया। पूरा मामला नईगढ़ी जनपद पंचायत के हड़िया ग्राम का है, जहां ग्रामीणों का कहना है कि हमारे ग्राम पंचायत में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। पंच परमेश्वर योजना सहित वृक्षारोपण जैसे अनेक योजनाओं पर पलीता लगाया गया है। ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जनपद पंचायत से नियुक्ति इंजीनियर पर भी सवाल खड़े किए हैं। एक बार ग्रामीणों ने फिर गांधी जयंती के अवसर पर संकल्प लेकर ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए निकल पड़े हैं। अब देखना होगा कि कब ग्राम पंचायत हड़िया की निष्पक्ष तरीके से जाँच होगी और ग्रामीणों को न्याय मिलेगा। चुनाव का दौर शुरू हुआ तो प्रत्याशियों पर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हुआ, एक दूसरे पर प्रत्याशियों का आरोप भी लगना जायज है, चूंकि राजनीति है। राजनीति में अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि हमें जन्म अधिकार नहीं, मत अधिकार नहीं मिलेगा। ऐसा ही मामला नईगढ़ी जनपद अंतर्गत हड़िया ग्राम पंचायत से निकल करके आया, जो कि गांधी जयंती के दिन पूजा गांधी जयंती मनाने के बाद ग्रामीणों ने एकत्रित होकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी और एकत्रित होकर के उनके द्वारा यह संकल्प लिया गया कि जो कि पूर्व में इस सरपंच के द्वारा जो 1 करोड़ रुपए की राशि का गमन किया गया है उसकी जांच कराई जाएगी। सवाल खड़े हो रहे हैं लगातार, ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि हड़िया ग्राम पंचायत में 1 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और इसकी जाँच नहीं कराई जा रही है। ग्रामीणों के द्वारा यह भी हमारे यहाँ समस्या ये है कि जैसे सामुदायिक वृक्षारोपण का कार्य है, मेड़ बंधान का कार्य है, सामुदायिक शौचालय भवन है और अनेकों ऐसे कार्य हैं जो जनहित के लिए किए गए हैं, पर हमारे ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय भवन बना हुआ है जिसका मनरेगा SDO ने अंदर प्रवेश करके निरीक्षण किया है, वहां आए दिन ताला बंद रहता है।